अथ श्री हनुमान बड़वानल स्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि श्री हनुमान बड़वानल देवता राम बीजं ह्रीं शक्तिं सौंकीलकं मम समस्त विघ्न दोष निवारणार्थे सर्व शत्रु क्षयार्थे सकल राजकुल सम्मोहनार्थे मम समस्त रोग प्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् समस्त पाप क्षयार्थम् श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थम् च हनुमद बड़वानल स्तोत्र जप अहम् करिष्ये। ध्यानम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम ह्राम ह्रीम ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते प्रकट पराक्रम सकल दिग्मंगल यशोवितान धवलीकृत जगदत्रितय वज्रदेह रुद्रावतार लंकापुरी दहय उमा अरगल मंत्र उददि बंधन दशशिरहा कृतांतक सीता श्वसन वायुपुत्र अंजनी गर्भ संभूत श्री राम लक्ष्मणानंद कर कपि सैन्य प्राकार सुग्रीव साह्य करण पर्वतोत्पाटन कुमार ब्रह्मचारिण गंभीर नाद सर्व पाप ग्रह वारण सर्व ज्वरोच्चाटन डाकिनी साकिनी विध्वंसन। ओम ह्राम ह्रीम ओम नमो भगवते महावीर वीराय सर्व दुख निवारणाय ग्रहमंडल सर्वभूतमंडल सर्व पिताच मंडलोच्चाटन भूत ज्वर एकाहिक ज्वर द्वयाहिक ज्वर त्याहिक ज्वर चातुर्थिक ज्वर संताप ज्वर विषम ज्वर ताप ज्वर माहेश्वर वैष्णव ज्वरान छिंदी छिंदी यक्ष ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाचान उच्चाटय उच्चाटय स्वाहा। ओम ह्राम ह्रीम ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः आं हां 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 ओम सौम एहि एहि ओम हं ओम हं ओम हं ओम हं ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते। श्रवण चक्षुर भूतानां साकिनी डाकिनी नाम विषम दुष्टानां सर्व विषम हर हर आकाश भुवनं भेदय भेदय छेदय छेदय मारय मारय शोषय शोषय मोहय मोहय ज्वालय ज्वालय प्रहारय प्रहारय सकल मायां भेदय भेदय स्वाहा। ओम ह्राम ह्रीम ओम नमो भगवते महाहनुमते। सर्वग्रहोच्चाटन परबलं क्षोभय क्षोभय सकल बंधन मोक्षणं कुरु कुरु शिरः शूल गुल्म शूल सर्वशूलान् निर्मूलय निर्मूलय
नागपाशानंत वासुकी तक्षक करकोट कालियान यक्षकुल जगत रात्रिंचर दिवाचर सर्पान निर्विषम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ओम नमो भगवते महाहनुमते राज भय चोर भय परमंत्र परयंत्र परतंत्र पर विद्याश्छेदय छेदय सर्वशत्रून्नाशय नाशय असाध्यं साधय साधय हुं फट स्वाहा। इति विभीषण कृतम् हनुमद वडवानल स्तोत्रम् संपूर्णम्। जो साधक इस हनुमान वडवानल स्तोत्र का 41 दिनों तक 108 पाठ करे, सरसों के तेल से दीपक जला करके श्री हनुमान जी महाराज उसके समस्त शत्रुओं का नाश करते हैं, उसके रोगों का नाश करते हैं, उसकी व्याधि का नाश करते हैं, एवं शत्रुओं के द्वारा कोई भी किया कराया तांत्रिक कार्य हो, हनुमान जी महाराज उन सभी का नाश करते हैं। अतः श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक पाठ करना चाहिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।